उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की खोज केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह पर जाकर खत्म हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने ये भी मानना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के लिए राजनाथ सिंह से बेहतर विकल्प पार्टी के पास फिलहाल मौजूद नहीं और यूपी में करो या मरो की स्थिति में राजनाथ सिंह सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले सीएम के तौर पर उभर सकते हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर राजनाथ सिंह के साथ चर्चा जारी है और अगर वो तैयार हो जाते हैं तो एक बार फिर बीजेपी असम मॉडल पर यूपी में भी चुनावी मैदान में उतरेगी। किसी नए चेहरे को या किसी विवादित चेहरे को सामने लाने से मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन राजनाथ सिंह सर्वस्वीकार्य एक तरह से चेहरा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा रिस्क बीजेपी के लिए है। राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी छवि एक ईमानदार अधिक नेता की रही है और अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं प्रदेश में, और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मिलेगा। तो वहीं कुछ जानकारों को पार्टी के इस संभावित फैसले में खामियां भी नजर आ रही हैं, जिनके पीछे उनकी अपनी दलील है। राजनाथ जी आज जिस जगह पे हैं वो खुद भी आना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यूपी एक बहुत सेफ टेरिटरी नहीं है। राजनाथ सिंह के नाम पर चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि उनके यूपी दौरे बढ़ गए हैं। पार्टी उनके दौरे को लिटमस टेस्ट की तरह परखना चाहती है। देखना होगा कि राजनाथ सिंह के नाम पर चल रहे कयासों का दौर अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।